हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो आज फिर हम आपके सामने, दिवाली बीत चुकी है तो उम्मीद करते हैं आपके काफ़ी बेहतरीन दिवाली हुई होगी। तो आप हम रिएक्शन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन का नाम है डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नीट में, जेई में और ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर 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 साल जो है क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। डिकार्बोक्सिलेशन क्या है, कि इसका मतलब क्या होता है, ऐसे कौन से रिएजेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे हम यहाँ पर। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी पढ़ेंगे हम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस का। देखो, पहली बात तो समझनी होगी है कि डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन, कि जो मेन प्रोडक्ट जो है, जो सबस्ट्रेट है, उससे एक कार्बन कम वाला जो है यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है। पहचानेंगे कैसे? सर, सोडा लाइम इसमें प्रेजेंट होता है। सोडा लाइम और हल्का सा हीट कर दो तो आपको प्रोडक्ट बनेगा एक कार्बन कम वाला, क्योंकि रिएक्शन है डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब रिएक्शन कैसे होता है, देखिए जो पहली रिएक्शन देखिए, यही इंपॉर्टेंट है। आप कोई सा भी सोडियम सॉल्ट ले लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, और उसकी रिएक्शन आप सोडा लाइम के साथ अगर करोगे तो यहां पर एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। और Na2CO3 जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकल रही है। तो देखो, ये जो कार्बन है CO2, एक्चुअली में हम बात करें, ये जो CO2 है ये बाहर निकल गया यहाँ पे, ठीक। ये सोडियम और एक सोडियम, तो Na2CO3 जो है यहाँ पर बाहर निकल चुका है, और जो आपका प्रोडक्ट बच गया एक कार्बन कम वाला है सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में। अगर हम बात करें मैकेनिज्म की कैसे होती है, बड़ी सिंपल सी मैकेनिज्म है। देखो, सबसे पहले आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर बेस की रिएक्शन करोगे, कार्बोक्सिलिक रिएक्शन में अगर आप बेस की रिएक्शन करेंगे, बेस का काम होता है हाइड्रोजन को ले जाना, क्योंकि उसके पास OH नेगेटिव है, इसके पास H प्लस है, ये ले जा देगा। और वैसे ये एक्टिव हाइड्रोजन भी है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच, तो एक्टिव हाइड्रोजन हो गया, आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो बेस का काम है हाइड्रोजन को ले जाना, तो बाहर निकल गया, और ये रहा CH3COO नेगेटिव, ये आपका प्रोडक्ट बच गया। इसको आप जैसे हीट करोगे, ये जो आयन है CH3CO नेगेटिव जो आयन है, इसको आप जैसे हीट करोगे, ये नेगेटिव चार्ज इधर खिसकेगा और ये जाएगा इधर पे बॉन्ड, तो ये CO2 यहां से बाहर निकल चुकी है। तो CO2 जैसे बाहर निकल गया, अब क्या बच गया? CH3 नेगेटिव, ये वाला ये सिंगल बॉन्ड इसके पास आया था कार्बन के पास, तो ये बच गया CH3 नेगेटिव। इस CH3 नेगेटिव में आप जैसे ही H2O की रिएक्शन करेंगे, तो एक H इस CH3 के पास चले जाएगा, तो ये बच, क्योंकि ये H+ और OH नेगेटिव में टूटेगा। जैसे ये H+ और OH नेगेटिव में टूटेगा, तो OH तो साइड निकल गया, H+ किसके पास जाएगा? नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा, तो ये बच गया CH4। सारी मैकेनिज्म ऐसे होंगी, सारे के सारे जितने भी है। और रही बात यहां पर, जो CH3 नेगेटिव आयन है, एनायन, ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यह डिकार्बोक्सिलेशन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, ठीक। इस यहां पर इस नेगेटिव चार्ज को हमने स्टेबल करना है, तो इससे ऐसे ग्रुप लगाने पड़ेंगे कि नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है, तो -M और -I वाले ग्रुप लगाने पड़ेंगे, तब जाके स्टेबल होगा, फिर उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा। तो ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। तो मेन जो सोडियम सॉल्ट है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, उसकी रिएक्शन आप सोडा लाइम के साथ करेंगे। हम आपको एक चीज बता दें, जो NaOH और CaO का रेशियो होता है वो यहाँ पर 3:1 लिया जाता है। साथ में हीट करेंगे तो CO2 एलिमिनेशन होगा, और साथ में एक कार्बन कम वाला आपका प्रोडक्ट बचेगा, ठीक। तो मेरा क्वेश्चन बहुत सारे आपके माइंड में भी होंगे, चलिए बेंजीन के ऊपर मान लीजिए CO2 है, ये बेंजोइक एसिड है, अगर आप इसका डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, सोडा लाइम के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, तो यहां पर भी CO2 बाहर निकलेगा, और CO2 बाहर निकलेगा तो मेरे बच्चों क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजीन बन गया। अब आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा, ये चल क्या रहा है यहां पर। तो डिकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के 12th के बोर्ड में पूछी जाएगी, बाकी नीट और जेई के लिए तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही। ऐसे मान लो इथीन है मेरे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH, और मान लीजिए यहां पर COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक। इसकी रिएक्शन कर दीजिए आप किसके साथ? सोडा लाइम के साथ कर दो, इसकी रिएक्शन सोडा लाइम के साथ, और हीट कर दीजिए NaOH के साथ, और साथ में CO ले लो, तो देखो ये CO2 बाहर निकल गया, क्या बच जाएगा प्रोडक्ट बताओ?
CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये प्रोडक्ट बन गया मेरा, ठीक। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये मेरा प्रोडक्ट बन गया, तो वही बनेगा प्रोडक्ट। तो CO2 आपने बाहर निकालना है, ठीक। ये एल्कीन है तो एल्कीन बनेगा, एल्केन है तो एल्केन बनेगा, बेंजीन है तो बेंजीन बनेगा। बस CO2 को एलिमिनेट कर दो, आंसर पाओ, कोई सा भी कर लो आप, चाहे ये क्वेश्चन कर लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CO COOH, इसको ले लो, इसको ले लीजिए आप, इसको हीट कर दो तो तब भी CO2 बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा आपका, कीटोन बन जाएगा। तो ये ग्रुप में कुछ नहीं होगा, बस CO2 बाहर निकलेगी। ये बीटा कीटो एसिड, अभी हम बात करेंगे बीटा कीटो एसिड के बारे में, तो वहां पर तो मुझे सिर्फ और सिर्फ हीट करने की जरूरत होती है, एनीवेज लेने की जरूरत नहीं है। बीटा कीटो एसिड को तो आप हल्के से हीट करो तो आपका आंसर आ जाएगा, समझ में आया नहीं है। तो भाई लोगों, ये रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एक कार्बन कम वाला प्रोडक्ट बनेगा जो सबस्ट्रेट में है, CO2 बाहर निकाल दो और जो चीज सबस्ट्रेट में है वही चीज आपने यहां लिख देनी है, दैट विल बी योर आंसर। ये मैकेनिज्म है, और मैकेनिज्म आएगा तो आप पेपर में कर सकते हो, ये आपका आंसर होगा। और एक चीज और, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन पूछेगा कि डीकार्बोक्सिलेशन किसमें ज्यादा तेज होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको हटाओ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाओ, और नेगेटिव चार्ज जहां स्टेबल है वो ज्यादा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन शो करेगा। यहां पर एक इंटरमीडिएट के तौर पर बन रहा है, समझ में आया नहीं है। तो हम बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है, आगे चलते हैं, बीटा कीटो एसिड की बात करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन और समझ में आएगा।